डे ट्रेडिंग में अगर ये साइकोलॉजी आपने बिल्डअप नहीं किया तो आपका जीवन भर लॉस होगा। अगर आपका लॉस भी हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। बट अगर आप लॉस में हैं तो इंटरडे ट्रेडिंग में अगर आपकी लॉस हो रही है तो ये वीडियो को देखो एंड इसके बाद आपकी लॉस होना क्लोज हो जाएगी, आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कम से कम एक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, तब जब आपको अच्छा लगेगा तब, ठीक है। देखो, आपको कोई भी कितना भी टेक्निकल एनालाइज सिखा दे, कोई भी कितना भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा दे, कोई भी कितना भी आपको ट्रेंड डायरेक्शन सिखा दे, लेकिन आप लॉस ही करोगे। ये तो तय है, आप लॉस ही करोगे, क्योंकि पैसा टेक्निकल एनालाइज से नहीं, पैसा और कैंडल स्टिक से नहीं, या तो फिर पैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस से नहीं, पैसा ट्रेंड डायरेक्शन से नहीं, पैसा साइकोलॉजी से बनता है, समझना। इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा साइकोलॉजी से ही बनता है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कैसा होता है, माइंडसेट कैसा होता है पैसा बनाने के लिए, ये माइंडसेट आज हम आपको इसमें बताएंगे। इसके बाद आपको कभी लॉस नहीं होगा अगर इस माइंडसेट को अगर आप फॉलो करेंगे तो, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल इंसान बन सकते हैं। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको सबसे पहले ये देखना है, आप 1:2 के रेशियो में काम करते होंगे या इससे ज़्यादा ही काम करते होंगे, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि 1:1 के रेशियो में शायद कोई काम करता है, नहीं तो 1:2 के रेशियो में लगभग सभी लोग काम करते हैं। तो 1:2 के रेशियो में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है, 1:3 के रूप में काम करते हैं और बेस्ट है। जितना जो आपका रेशियो है, जो आपका सेटअप है, जिस सेटअप से आप प्रॉफिटेबल बने या जिस सेटअप से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस सेटअप को आपको फॉलो करना है। लेकिन अब इसमें ध्यान क्या रखना है, पूरे दिन में 3 ट्रेड करना है मात्र, दुनिया पलट जाए लेकिन 3 ट्रेड से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है, ओके। पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन 3 ट्रेड से आपको ज़्यादा नहीं मारना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब 3 ट्रेड मारना है कैसे ये समझना, फर्स्ट ट्रेड आप लोगे और फर्स्ट ट्रेड 1:2 के रेशियो में अगर आप काम करते हैं, एज ए एग्जाम्पल आपकी सेटअप 1:2 के रेशियो में काम करता है, तो फर्स्ट ट्रेड लोगे और अगर फर्स्ट ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो आज का PNL क्लोज दोबारा आप ट्रेड नहीं लोगे, चाहे 5 का प्रीमियम 500 क्यों ना चला जाए, 5 के प्रीमियम 500 चला जाए, बट आपको एंट्री दोबारा नहीं करना है तो नहीं करना है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है, पहले टर्म एंड कंडीशन। सेकेंड टर्म एंड कंडीशन कि अगर पहले बार आपने लिया, एग्जाम्पल फॉर आप 1:2 के रेशियो में काम करते हैं, ठीक है, तो आपकी ये स्टॉप लॉस मान लेते हैं 500 रुपये की और 1000 का आपका टारगेट होता है। मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस चला गया 500 रुपये का, सेकेंड टारगेट जब आपकी सेटअप बनती और आप सेकेंड बार एंट्री करते हो, सेकेंड टारगेट जब आपके फिर से पुनः सेटअप बना, तो फिर आप जब पुनः दोबारा आप एंट्री करते हो, आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग जब दोबारा आप एंट्री करते हो, तो आपको वहां पे फिर सेम तरीके से 500 का आपका स्टॉप लॉस होगा, एज ए एग्जाम्पल बता रहे हैं, और 1000 का प्रॉफिट होगा। ऑलरेडी आप 500 रुपया लॉस में हो, क्योंकि एक स्टॉप लॉस आप खा चुके हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक स्टॉप लॉस आपका गया, सेकेंड टाइम जैसे आप ट्रेड लोगे और किसी भी कारणवश वो आपका प्रॉफिट में चला गया, तो 1000 रुपये आपका प्रॉफिट देगा, ओके, क्योंकि 1:2 के रेशियो में एज एग्जांपल आप काम करते हो, तो 1000 रुपये आपका प्रॉफिट होगा, समझना, 1000 रुपये प्रॉफिट होगा। आपका PNL ऑलरेडी 500 माइनस में था, ठीक है, अब यहाँ पे 1000 रुपये आप प्रॉफिट में, यहाँ पे PNL आया, तो टोटल क्या होगा आपका, यहाँ पे 500 रुपया आपका 500 रुपया पॉजिटिव में आ जाएगा PNL, ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्रेड आपको नहीं करना है, समझना, थर्ड ट्रेड आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना, थर्ड ट्रेड आपको नहीं करना है। एक ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो गया तो सेकेंड ट्रेड नहीं करना है, अगर फर्स्ट ट्रेड में अगर आपका लॉस हो गया तो सेकेंड ट्रेड करना है, और सेकेंड ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो थर्ड ट्रेड नहीं करना है। अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, सेकेंड ट्रेड में भी लॉस हो गया, यानी कि 2 ट्रेड आपका कंटिन्यू लॉस में चला गया, तो 500 भी लॉस गया तो 1000 रुपये लॉस गया, ओके, तो 1000 रुपये टोटल आपका मान लीजिए लॉस गया, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर स्टॉप लॉस आपने 1000 का मार्केट को दे दिए। अब थर्ड बार फिर से आपको एंट्री करना है, और थर्ड बार में सेम सिचुएशन होना चाहिए, 500 रुपया आपका स्टॉप लॉस और 1000 रुपये का टारगेट, और यहाँ पर अगर थर्ड बार भी अगर आपको टारगेट मिलता है तो आप ब्रेक इवन पे आ गए। ब्रेक इवन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, नहीं आपका 1 रुपया लॉस होगा मार्केट में, नहीं आपका 1 रुपया प्रॉफिट होगा, आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे एंड इसके बाद आप प्रॉफिट में ही मतलब ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, 1 रुपया का आपका लॉस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको केवल ध्यान रखना है, फर्स्ट ट्रेड में अगर आपकी प्रॉफिट हो गई, दुनिया कहीं चला जाए, 5 का प्रीमियम 5000 रुपये क्यों नहीं चला जाए, हम एंट्री नहीं करेंगे। पहला टर्म एंड कंडीशन, फर्स्ट में लॉस हो गया तो सेकेंड में जब हम एंट्री करेंगे, तभी सेकेंड में एंट्री करेंगे जब फर्स्ट में लॉस होगा, फर्स्ट में अगर लॉस हो गया तब हम सेकेंड में एंट्री करेंगे, और जैसे सेकेंड ट्रेड में हम एंट्री करेंगे तो मुझे पहले यह पता होना चाहिए कि मेरा जो स्टॉप लॉस है ना
वो अगर 1:2 के रेशियो में काम करते तो मुझे टारगेट मेरा स्टॉप लॉस कितना है तब जाकर के एंट्री करना, उससे पहले एंट्री मत करना। एंट्री करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, ठीक है, उसी हिसाब से आप अपना टारगेट डिसाइड करना, ठीक। इस चीज़ों को ध्यान रखना, 1:2 के रेशियो में मिनिमम तो आपको काम करना ही करना है, ठीक। तो फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट एग्जिट एंड डे क्लोज, फर्स्ट ट्रेड लॉस, सेकेंड ट्रेड वेट, सेकेंड ट्रेड लॉस, थर्ड ट्रेड फिर करेंगे, थर्ड ट्रेड भी लॉस हो गया, टुडे पीएनएल क्लोज, 500 या 1500 रुपये का आपका लॉस जाएगा एक दिन में हाईएस्ट, उसके बाद पीएनएल क्लोज, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर पहले ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट मिल गया, और ये तो गारंटी देते हैं, इतना भी गंदा आप ट्रेड तो नहीं करते होंगे कि लगातार अगर आप 3 ट्रेड करोगे तो 3 का 3 स्टॉप लॉस जाएगा, ऐसा तो ही नहीं सकता, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी जब से वीडियो बना रहा तब से मेरे पास ये सपोर्ट लाइन है, आप देख रहे होंगे ये मेरे लिए सपोर्ट लाइन का काम कर रहा था, और देखो मार्केट हम जब वीडियो बना रहे थे तो यहीं कहीं इधर आसपास ट्रेड कर रहा था, मार्केट वापस आया सपोर्ट पे आया, देखो आ गया, और सपोर्ट पे अगर आप यहाँ पे लेते हो तो देखना यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको क्या जा सकता है भाई, हाईएस्टली आपको 7-10 पॉइंट के अंदर का स्टॉप लॉस होगा, 7 से 8 पॉइंट, यहाँ पे इस हिसाब से देखिएगा तो 7 पॉइंट बहुत आपका स्टॉप लॉस है। अगर 7 पॉइंट स्टॉप लॉस है तो आपको यहाँ से 7 पॉइंट ना एकदम ईजिली मिल गया, एकदम इजिली आपको टारगेट यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है, हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये नहीं बोल रहे कि इसमें ट्रेड करना ही करना है ना, हम इस ट्रेन लाइन में हम ट्रेड नहीं करते हैं, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ट्रेन लाइन होता है इसमें हम ट्रेड नहीं करते, या तो ब्रेक डाउन पे हम करेंगे या तो ब्रेकआउट पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पे सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस होगा, और जैसे ये ब्रेकआउट करना करेगा तो फिर देखना कितना बढ़िया सा मूव आएगा, और क्विक मार्केट शूट करेगा, इतना डेंजर शूट करेगा ना, आप देखोगे जो इतना भर दिन में नहीं किया ना ये 1 मिनट के कैंडल में करके चला जाएगा। तो मेन फंडा ये होता है ना कि ब्रेक इवन पे अगर आप है, ब्रेक इवन पे आप है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट में केवल रहो, पिच पे टिके रहो, जब तक आप पिच पे टिके नहीं रहोगे ना तब तक आप छक्के चौके नहीं मारोगे। तो आपको पहले चीज़ ये करना ना, कैपिटल बचेगा कैसे, तो ये साइकोलॉजी माइंडसेट क्लियर करो, फिर देखो आपका कभी लॉस नहीं होगा।